हेलो फ्रेंड, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो रेडियो सुख चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेफ वीपीएन क्या है और इस सेफ को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज करोगे। तो आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में जो है वर्ल्ड बाई वर्ल्ड सर्वर देखने को मिल जाता है। इसमें अलग अलग कंट्री का सर्वर जो है आप इस ऐप में यूज करने वाले हो। दोस्तों, इस ऐप में जो है 160 लोकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस ऐप को यूज करने के लिए यहाँ आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना होगा और यहाँ से इस ऐप का आइकन भी देख सकते हो और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, भाई के चैनल पर नया है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको सबसे पहले तो इस ऐप को जो है सेफ वीपीएन को इंस्टॉल कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यह ऐप जो है आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो गया। यहाँ पर इस ऐप का लोगो भी देख सकते हो और फर्स्ट बार जो है यह ऐप जो है आपके सामने कुछ सेकेंड बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऊपर के साइड में जो है आपको सेफ वीपीएन का भी नाम दिखाई देता है। इस ऐप का जो है नाम दिखाई देगा ऊपर के साइड में सेफ वीपीएन। नीचे के साइड में यहाँ पे आपको ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पावर वाले ऑन और ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। ओके के ऑप्शन पे जब यदि आप क्लिक करोगे तो ये परमिशन दे दोगे तो यहाँ से आपका वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यह वीपीएन जो है आपके सामने कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑन वाले ऑप्शन पे आप एक बार टैप करना है आपको। जैसे ही टैप कीजिएगा तो कनेक्टिंग लेगा और कनेक्टिंग होने के बाद कुछ सेकेंड इस तरह से आपको विंडो शो होगा और यहाँ पे यह कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, मतलब यहाँ वीपीएन जो है मेरा कनेक्ट हो गया। नीचे आपको डाउनलोडिंग स्पीड दिखाई देगा, अपलोडिंग स्पीड दिखाई देगा, कितना स्पीड जो मिल रहा है इस सर्वर पर। यदि आप सर्वर चेंज करना चाहते हो तो सेफ सर्वर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग अलग कंट्री का सर्वर भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ फास्टर सर्वर में देख सकते हो यहाँ से कुछ कंट्री का सर्वर है। यदि आप सर्वर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से किसी भी सर्वर को ले सकते हो। मान लीजिए मैं जापान वाले सर्वर को ले लेता हूँ तो यहाँ पर दूसरा सर्वर मेरा कनेक्टिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ सेकेंड वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है और जैसे ही ये कनेक्टिंग हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अब जापान का सर्वर जो है मेरे वीपीएन में कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सर्वर को यूज कर पाओगे। यहाँ नीचे के साइड में आपको सेटिंग का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस ऐप का टर्म एंड कंडीशन जान सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी भी जान सकते हो। दोस्तों, यदि इस ऐप को जो है डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, वीपीएन को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वीपीएन जो है कुछ सेकेंड में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। भाई के चैनल पर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।